निदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर क्या घोषणा हो सकती है आचार संहिता लागू होने से पहले। पूरा वीडियो देखते हैं, संपूर्ण बातचीत मानदेय वृद्धि को लेकर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, निदेशक शिक्षा मित्रों से संबंधित आज एक कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित होने था, महंत श्री राजूदास महाराज जी के द्वारा हवन का कार्यक्रम, वो पोस्टपोन हो चुका है। जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जान ही चुके होंगे, मैं आपको स्पष्ट तरह से बताना चाहूँगा कि वो कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया गया है और पोस्टपोन करके उसकी तारीख नवंबर में 20 और 25 के बीच में रखी गई है और उसी में वो कार्यक्रम आयोजित होगा। और ये एक दुखद समाचार भी है कि सारे लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि आज यानी 16 से शुरू हो जाना चाहिए था कार्यक्रम, नहीं हो पाया। उसके कई कारण हैं कि जिस कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम होना था वहाँ पर माननीय योगी जी के कुछ कार्यक्रम, माननीय मोदी जी के कार्यक्रम कुछ लगे हैं और इस महीने त्यौहार भी है, तो वो उसके चलते स्थान खाली ना होने के कारण, जैसा कि महाराज जी ने बताया है, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना भी होगा उनको, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोगों को फिजूल की बातों में ध्यान नहीं देना है और कार्यक्रम नहीं हो पाया क्योंकि जगह नहीं मिल पाई और वो आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। हम लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, फिजूल की बातें और बेकार की बातें नहीं करना है, अपने काम पे देना है ध्यान और जब कर्म किया तो फल भी हमको ईश्वर ज़रूर देगा, अवश्य देगा। तो इसके साथ ही एक समाचार और है कि डीएलएड वालों को थोड़ा सा, जिन्होंने एनओएस से डीएलएड किया है उनके लिए थोड़ा सा झटका लगा है। आवेदन किया गया था जनवरी की तरफ कि क्लियर किया जाए कि हम लोग पात्र हैं या नहीं है, थोड़ा सा निराशावरक समाचार है, लेकिन अभी समय है अप्लाई करने में, हो सकता है कुछ जल्द समाधान सरकार निकाले और एनओएस से बात करके जिन्होंने एनओएस से डिलीट किया है उनको मौका मिले, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकावट है किसी भी कारण से, विभाग उस पर बातचीत लगातार कर रहा है कि क्या किया जाए, तो लेकिन अभी बाकी हैं, अभी समय बाकी है यूपी टेट का, तो उसमें लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए और आज नहीं तो कल हमको ज़रूर मौका मिलेगा। हमारा काम है संघर्ष करना, एक संघर्ष और साथियों करिए, अपना अपना ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, हालांकि बहुत सारे लोगों ने बना रखा है लेकिन सक्रिय रूप से उस पर अपनी भागीदारी दीजिए, अपने विचार, अपने क्रियाकलाप और अपनी बातों, अपनी मांगों को बहुत ही सभ्यता में आप उसको ट्वीट करते रहिए सरकार को या हमारे जो निदेशक बंधु साथी हैं जो संगठन चला रहे हैं, वो जब ट्वीट करते हैं उसको रीट्वीट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। हम खुद को सपोर्ट करेंगे और अपने आप को, अपनी आवाज़ को उठाएंगे जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, सभ्यता से संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखिए, किसी पर टीका टिप्पणी करने से बचिए क्योंकि वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है और वक्त ही हमको आगे ले जाता है हमारी जीत। आज ही बड़े समाचार, तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।